मेरे साथ खाना खाना, मेरे साथ घूमने चलना, मेरे साथ खेलना, फिर मेरे साथ सो जाना। अक्सर हर गली मोहल्ले में हम ऐसे दृश्य देख सकते हैं। जाहिर है, बच्चों के सबसे सच्चे मित्र उनके खिलौने ही होते हैं, जिनके साथ वो बड़े खुश रहते हैं। साथ ही सारी दुनिया को भूलकर पूरी एकाग्रता से उन्हीं में रमे रहते हैं। शायद बुद्धिजीवियों, प्रशासन और सरकार ने जब ये सोचा कि बच्चों का स्कूल में कैसे मन लगे, तो यही व्यवस्थाएं स्कूल में भी की गईं। और अब वो जमाने नहीं रहे जब बच्चों के लिए स्कूल जाने की सोच एक हवे से कम नहीं होती थी। जहां घर से भी जबरदस्ती करके भेजा जाए, स्कूल में भी बस मास्टर जी की डांट मार और मजबूरी का बंधन। आज जरा देखिए, स्कूल का सारा परिदृश्य ही बदल गया। डंबल और लेजियम जैसी एक्सरसाइजेस के साथ साथ बच्चे पीटी अभ्यास भी बड़े मनोयोग से करते हैं। यही नहीं, बच्चों की मनपसंद ढेर सारी खेल सामग्री यहाँ मौजूद है, जैसे लूडो, कैरम, रस्सी कूद और तरह तरह के झूले। आइए सुने क्या कह रहे हैं इन स्कूलों में पढ़ने वाले आज के ये बच्चे। अनिपूर्णिमा सिंह। कौन सी क्लास में? कक्षा 4। स्कूल में खेलने खेलती हो? जी। क्या क्या खेलती हो? जी फुटबॉल, क्रिकेट। क्या क्या तुम क्या क्या खेलती हो? हमको फुटबॉल खेलने को मिलता है और पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं, बहुत सारी। झूठ। अच्छा लगता है मुझको फुटबॉल। शिवम सिंह, कक्षा 3। क्या क्या खेलती हो? फुटबॉल, क्रिकेट, झूला। में सब खेलने को मिलता है? जी। क्या अच्छा लगता है? झूला। अरविंद सिंह, कक्षा 4। क्या क्या खेलने को मिलता है? लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, झूला। क्या क्या अच्छा लगता है? क्रिकेट। तुम्हारे साथ कितने बच्चों को क्रिकेट अच्छा लगता है? 11। शिवानी सिंह, कक्षा 4। फुटबॉल, क्रिकेट,
लूडो, कैरम बोर्ड, हाँ सर, फुटबॉल, क्रिकेट, लूडो, कैरम बोर्ड, झूला, पुस्तकालय। निकिता सिंह, कक्षा चार में। क्या क्या खेलती हो तुम? कैरम बोर्ड मिलता है, लूडो मिलता है। तुमको क्या अच्छा लगता है? क्रिकेट। स्कूल के इस बदले माहौल से अच्छी तरह परिचित हैं बच्चों के अभिभावक भी। आइए जाने उनके विचार भी। ये वो कैरम बोर्ड और वो जो है लूडो वगैरह घर में भी बताते कि स्कूल में खिलाया जाता है, हम खेलते हैं। और बच्चे लोग बॉल और खेलते हैं तो घर में बोलती है हम खेलते हैं। पहले था ही नहीं कुछ ऐसा सामान, अब जो है सब कुछ आ रहा, तो सब पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और खेल भी खेल रहे हैं। बाहर बच्चे जाने के लिए कोई वही नहीं पढ़ाई को, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है जैसे अच्छा है पढ़ने में, रोज आता दीदी, झूला झूलता है, रस्सी फांदने वाला खेल। दो बच्चे आते हैं, एक तो अभी पढ़ता नहीं, एक का नाम लिखा हुआ है। जब से ये कार्यक्रम लागू हुआ है, नया विद्यालय बना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है उनको, और उनको खाने पीने का और खेलने का सामान भी अच्छा प्राप्त है। आपको अपने विद्यालय के लिए कुछ करने की बात आए, हाँ? तो अपने स्कूल के लिए आप क्या करेंगे? सहयोग का मतलब बच्चों को हम रोज डेली भेज सकते हैं, उनको यहाँ जो है भेज कर ले जा सकते हैं, इतना सहयोग कर सकते हैं भाई उनके साथ। खेलने में भी परिवर्तन आया, पढ़ने लिखने में भी ज्यादा परिवर्तन आया है। अधिक खेलने से कहीं की पढ़ाई नहीं कोई प्रभावित नहीं हो रही है, वो पहले से अच्छा अपने को यानी कि एक महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब स्कूलों की यूं तस्वीर बदली तो शिक्षकों ने भी एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। खेल और पढ़ाई के साथ साथ चलने के विषय में उन्हें क्या कहना है ये भी जानिए। क्या बन गया? एक बन गया। खेल कूद का सामान जब से हमारे विद्यालय में आया और हम बच्चों के साथ स्वयं प्रतिभाग करते हैं और बचपन से हम भी खिलाड़ी रहे हैं, तो उसका ये हुआ कि बच्चे हमसे लगाव करने लगे, प्रेम करने लगे खेल के माध्यम से। वही जब हम क्लास में जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो वही उनका प्रेम व्यवहार वहाँ आकर्षित होता है हमारे पे, तो जो हम उनको बताते हैं तो सरलता से सीखते हैं, समझते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं विद्यालय में। हर प्राइमरी स्कूल में नहीं, नया पंचायत स्तर पर एक आ गए हैं झूले वगैरह, खेल का सामान भी आ गया, तो कुछ वहाँ के का माहौल ही कुछ बदल गया है। जो उपस्थिति पहले 65% साथ 70% 75% रहती थी, 85% 90% 95% तक रहती है। खेल कूद का तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, अब सरकार ने जो दिया है हम लोगों के लिए, ये ऐसा पहले नहीं था जैसा अब है, और उसके लिए हमको समय निर्धारण करना पड़ता है कि कब किस कक्षा को किन बच्चों को कहाँ खिलाएं, और खेलने से ऐसा वातावरण अच्छा बना कि इस हमारे विद्यालय में हमेशा संख्या पंजीकृत संख्या 300 के लगभग रही, लेकिन उपस्थिति आधी 50% रहती थी। अब आज आपके सामने हम 100% उपस्थित पे मौजूद हैं और खेल कूद और शैक्षिक वातावरण की वजह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे बच्चे, तो अगर खेलते हैं तो उनमें थोड़ा सा जोर उत्साह ज्यादा रहता है और मन लगा के ज्यादा पढ़ते हैं। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, शायद यही धारणा है स्कूलों में खेलों के इतने प्रबंध करने का। लग गए वो दिन जब स्कूल और पढ़ाई का नाम एक सजा की तरह लगता था। आज ये हंसते खिलखिलाते चेहरे भविष्य हैं इस देश के, और इन्हें हंसते खेलते ही पढ़ना है, ऐसी योजना है हमारी पाठशालाओं की। क्योंकि खेल और व्यायाम से प्राप्त होता है स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्पोर्टिंग स्पिरिट यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और मिलजुल कर साथ रहने की भावना।
शिक्षा पाई, पढ़ लिख कर तकदीर बनाई।